वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दुर्गा, यू आर विजिटिंग ड्रीम डिवाइन। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है एक्स मुस्लिम समीर और मुफ्ती साहब के बीच बहस। तो देखते हैं इसमें क्या दिखाते हैं, थर्ड पार्ट है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स गेट टू वॉच इट। जहां बीवियों को जो है तकलीफ हुई है दूसरी बीवी कर लेने से, और लोगों की जो है शादियां तक भी टूट गई है दूसरी बीवी के साथ ताल्लुकात रखने से और दूसरी शादी करने की वजह से। आप अगर एक मुझे एग्जांपल ऐसा बता देना कि बच्चे घर छोड़ के भाग गए क्योंकि माँ बाप ने दूसरा बच्चा पैदा कर लिया, तो मैं आपकी बात को लॉजिकल मान लूंगा। सो इट वॉज टोटली इलॉजिकल। तो अब जब दोनों का स्टैंड यहाँ पर ये आ चुका है, क्लियरली हम दोनों एक स्टैंड पर खड़े हैं कि बीवी की इजाजत के साथ कोई मसला नहीं है और बीवी की इजाजत के बगैर मसला है, तो अब यहाँ पर आगे की बात जो होगी वो ये होगी कि अब आपको ये साबित करना है मुझे कि क्या इस्लाम में रहते हुए एक बीइंग अ मुस्लिम क्या मेरे लिए औरत की इजाजत जरूरी है दूसरा निकाह करने के लिए, फर्ज समीर भाई, है या टाइम अप, गैर टाइम अप, जरूरी है। टाइम अप, टाइम अप जी जी भाई, मैं तो सीधी सीधी बात एक सवाल कर रहा हूँ और मुझे अभी तक के वो सवाल का जवाब नहीं मिला है। दोनों में फर्क क्या है, मैं ये बोल रहा हूँ। आपने खुद बताया, आपने खुद एक क्राइटेरिया तय किया कि क्योंकि पहली बीवी को गिरा गुजरता है इसलिए दूसरी बीवी नहीं लाना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि एक लड़के को गिरा गुजरता है, लड़का हो गया 22 साल का, 25 साल का हो गया, उसको ना बुरा लगता है, उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे अगर उसकी माँ प्रेग्नेंट हो तो। वो नहीं चाहता कि उसकी माँ प्रेग्नेंट हो, उसका मजाक उड़ाएंगे उसके दोस्त लोग, इसलिए उसको गिरा गुजर रहा है। और ऐसा होता है, मैं मिसालें भी दे सकता हूँ आपको, कॉमन है बहुत। लड़के बड़े हो जाते हैं ना तो उनको बुरा लगता है अगर उनके अब्बा के बच्चे होने वाले हैं, तो ऐसा है, होता है ऐसा। तो अब ये सीधी बात है कि लड़के को गिरा गुजर रहा है तो दूसरा लड़का क्यों ला सकते हैं अगर बीवी को गिरा गुजर रहा है। ये जो आप बोल रहे हैं ना कि दोनों का हक बराबर होता है, हक बराबर होता है नहीं होता है तो फिर डिबेट हो जाएगी अलग, किसका हक बराबर होता है, किसका होता है, किसका। वही तो बात चल रही है ना कि बीवी का हक, और क्या ये हक बीवी को पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है कि वो एक और बीवी को लाने से मना करे शोहर को। उसी पे तो डिबेट चल रही है हमारी, उसी पे तो बात हो रही है। तो लड़के को गिरा गुजर रहा है, दोनों में फर्क क्या है ये बताइए आप मुझको, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप बीवी के गिरा गुजरने पर कह रहे हैं कि दूसरी बीवी नहीं ला सकते और लड़के के गिरा गुजरने पर आप इजाजत दे रहे हैं कि लड़का और ला सकते, दोनों में फर्क क्या है वो बताइए आप मुझको, मुख्तसर में बताइए। बहुत यहाँ वहां की बात मत करिए, दूसरे टॉपिक पे मत जाइए, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। जी जैद भाई, जी हाँ समीर भाई, अगर मोहतरम को ये लगता है कि मैं दूसरे टॉपिक पर चला गया हूँ तो मैं इसमें अब कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि शायद हमारा टॉपिक वही है स्टार्ट से और उसी पे अब तक बात कर रहे हैं। ना तो टॉपिक से मैं हटाऊं और मैं आपके ऊपर झूठी तोहमत नहीं लगाऊंगा कि आप टॉपिक से हटे आपकी तरह जैसे आप लगा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं अब तक। लेकिन जो एग्जाम्पल आपने सेट किया है मैंने उसके लिए बता दिया आपको कि वो एक लॉजिकल एग्जाम्पल है। वो इसलिए क्योंकि इसकी मिसालें जो है माशरे में बहुत ही ना के बराबर है। मैंने तो आज तक नहीं सुनी, शायद आपके अगर एक आध इंडिविजुअल कोई आपके सामने गुजरी हो वो एक फर्दर मैटर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की मिसालें बहुत आम है कि दूसरी बीवी करने से पहली बीवी को तकलीफ हुई है। आप मुझसे बार बार वही चीजें घुमा फिरा करके पूछ रहे हैं और बार बार उसी पर जोर दे रहे हैं, अड़े हुए हैं उस पर। तो मैं नहीं समझता कि इस नौयत में और या इस तरीके से जो है ये हमारी बातचीत जो है या हमारी डिबेट जो है वो आगे बढ़ सकती है, क्योंकि एक हम एक जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर मैंने आपके साथ मुत्तफिक होते हुए आपकी राय के साथ मैंने जो है खड़े होते हुए ये कहा है कि मैं इस बात से आग्री करता हूँ कि अगर पहली बीवी को मसला नहीं है तो शादी जायज है, उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे लिए मॉरलिटी और इंसानियत के ताल्लुक से उसकी दिल आजारी, उसका दिल दुखना, उसके हुकूक सबसे मेन है। अगर वो खुद इजाजत दे रही है और उसको खुद मसला नहीं है तो फिर वहां पर हमें कोई हक नहीं बनता कि हम उस पर एतराज करें। लेकिन अब इससे आगे आपको ये साबित करना होगा, मैं आपको आगे बढ़ने के लिए डिबेट में कह रहा हूँ कि आगे बढ़ते हुए मुझे ये साबित कीजिए कि इस्लाम में पहली बीवी की इजाजत के बगैर आप निकाह नहीं कर सकते, और अगर नहीं कर सकते तो उसका रेफरेंस दीजिए या मुझे चैलेंज कीजिए कि आप निकाह कर सकते हैं उसकी मर्जी के बगैर, तो फिर मैं आपको जो है उसका रेफरेंस देता हूँ। माइक इज योर्स। अच्छा, मैं बीच में थोड़ा टाइम पे ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अभी फिक्स ही रखेंगे, 2 मिनट्स क्रॉस मत करिए दोनों। हाँ जी भाई, मैं तो देखो, मैं तो वही बार बार एक सवाल कर रहा हूँ और मैं बहुत आसान सा सवाल कर रहा हूँ कि बेटे पर गिरा गुजर रहा है, गुजरता है कि नहीं गुजरता है, वो डिबेट ही नहीं कर रहा, मैं भी उस पर बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ बेटे पे गिरा गुजर रहा है भाई, बच्चे पैदा करना, मैं उसकी गुजरता है इसकी मिसाल मैं दे दूंगा अभी आपको, लेकिन गिरा गुजर रहा है और हम इंसान हैं, एक इंसान पे गिरा गुजर रहा है,
तो क्यों हम इजाजत दें? बाप को देख रहा है कि बेटे पे मेरा गिरा गुजर रहा है, उसको बेटे को लग रहा है उसकी प्रॉपर्टी जो है ना उसके बाप की वो तकसीम हो जाएगी। जैसे औरत को लगता है ना कि शौहर का खर्चा जो मुझको अब तक मिल रहा था अब शौहर एक बीवी को और खर्चा देगा, तो बेटे को लग रहा है एक और बच्चा होगा तो प्रॉपर्टी तकसीम हो जाएगी। अभी देखिए मैं गूगल कर रहा था, मुझे पता चला कि इस पर तो एक फिल्म भी इंडिया में बन चुकी है कोई, बधाई हो नाम से, गूगल में हिंदी में आप देख सकते हैं। तो समझ में ये आ रहा है कि फिल्म भी बन गई स्पेस का, मतलब ये बड़ा सोशल मसला होगा भाई कि फिल्म बना रहे हैं लोग इंडिया में, बधाई हो। कौन क्या इसमें विकिपीडिया पे लिखा हुआ है कि कोई ये फिल्म है आयुष्मान खुराना और नीना गुप्ता स्टारर, तो इसका मतलब कि लड़कों को भारी पड़ता है अगर एक बच्चा और हो पैदा, यानी 20-25 साल का लड़का हो गया है ना, अगर उसकी माँ प्रेग्नेंट हो तो उसको शर्मिंदगी महसूस होती है। तो भाई गिरा गुजर रहा है, इंडिया में फिल्म भी बन गई इसके ऊपर। अभी आप बताइए, अब तो मैंने एक मिसाल भी दे दी आपको, अभी आप बताइए कि गिरा गुजर रहा है तो एक और बेबी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? चलो अभी एक काम करते हैं, आपने 3 मिनट लिए, समीर भाई आपको 3 मिनट मिल रही है जी, लेकिन मेरे पास 3 मिनट का काउंटर नहीं है यहाँ पे, तो मैं 2 मिनट लगा रहा हूँ जी। अच्छा नहीं है, मिल गया, चलो 3 मिनट्स। देखिए सरफराज साहब को मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, और बड़ी जो है माजर के साथ ये मैं कहना चाहूंगा कि अब इन्होंने एक कंडीशन रख दी है यहाँ पर कि अगर बच्चे की उम्र जो है वो 25-30 साल है तो ये बड़े मजे की बात है। अगर आपका बेटा 25-30 साल का हो गया है तो उस उम्र में पहली बात तो मोस्टली ऑफ द पीपल जो है वो बच्चे पैदा नहीं करते, मोर देन 99%, अगर कोई 0.5% अगर ऐसा कोई किस्सा आता भी है तो वो बच्चे जो है एडल्ट हो जाते हैं और उस वक्त जो है उनको मसला हो सकता है किसी भी सूरत में। लेकिन मैं यहाँ भी आपको चैलेंज करते हुए ये कहूँगा कि इस तरह की मिसालें आपको मोस्टली मोमिनीन के अंदर मिलेगी, गैर मुस्लिमों में भी इस तरह की मिसालें नहीं मिलेगी क्योंकि वो इस तरह के काम को अंजाम नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी 4 बीवियाँ नहीं होती जिसमें एक की उम्र उनकी उम्र से आधी हो या बहुत कम हो जिसके साथ वो सोहबत करके बच्चे पैदा करें, ये इस्लाम में ही पॉसिबल है और इस्लाम में ही होता है। फिर से मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास एक भी एग्जाम्पल है इस चीज़ का गैर मुस्लिमों से वो मेरे सामने रख दें, उसके बाद उस पर जो है सोच विचार किया जा सकता है। जहाँ तक आप रेफरेंस दे रहे हैं बॉलीवुड मूवी का, मुझे ये भी बताएं कि वो बॉलीवुड मूवी क्या किसी रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस थी, और जिस रियल इंसिडेंट के ऊपर वो मूवी बेस थी उसके जो रियल कैरेक्टर हैं उनके नाम क्या क्या हैं, वो भी उसकी भी मुझे वजाहत करें, क्योंकि अभी आपने मूवी का हवाला देते हुए मूवी के एतबार पर आपने स्टैंड लिया है, तो अभी आपके जिम्मे है कि आप मुझे उसकी वजाहत करें कि क्या वो रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस थी, और रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस थी तो किस माशरे और किन लोगों के ऊपर वो बेस थी, ये बताने के बाद ही अब आगे की बातचीत हो सकती है। 1.5 मिनट इनको दे दें, इनसे डेटा भी ले लें क्योंकि नॉन मुस्लिम ऐसा नहीं करते, डेटा जरूर ले लें। नहीं नहीं इनको रहने दीजिए, मैं भी अकेले हूँ काफी इनके लिए। अच्छा ठीक है भाई, देखो अब वो जो फिल्म बनी है वो तो किसी उस पर बनी है, चलिए मैं नहीं होता ऐसा, मैंने ऐसा मान लिया, कभी हो गया एक जगह पर ऐसा हो गया, हाँ एक मामले में ऐसा हुआ, आप मान लीजिए प्रैक्टिकल नहीं होता लेकिन ऐसा हो गया कि एक लड़के को बुरा लग रहा है, गिरा गुजर रहा है उसके बच्चा होना, तो ऐसी सूरत में आप क्या बोलते हैं? लग रहा है एक ख्याल में हम लोग इमेजिन ही कर लेते हैं कि कोई लड़का है जिस पर गिरा गुजर रहा है, इमेजिन कर लिया मैंने, अब बताइए कि उसको दूसरी शायद उसका बाप जो है वो दूसरा बच्चा पैदा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? चलो बैक टू 2 मिनट्स करते हैं ताकि जरा फास्टर क्रिस्प डिस्कशन हो, तो मैं 2 मिनट्स का भी सब लोग फॉलो करिए जी, 2 मिनट स्टार्ट समीर भाई। मेरा आप आधा ही मिनट रखिए। मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इमेजिनेशन करके सवाल कर रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि इमेजिनेशन में भी जवाब भी तलाश कर लें, क्योंकि यहाँ इमेजिनेशन के ऊपर बातचीत करने बैठे हैं कि मुआशरे के अंदर जो मसले हैं जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात करने बैठे हैं। मैंने ये बोला है इंडिविजुअल अगर एक आध केस इस तरह का है तो उसको इंडिविजुअल लेवल पर सुलझाया जा सकता है, आम चीज जो होगी माशरे में जो आम मसला होगा उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ हमारा मौजू जो है वो पॉलीगमी के ऊपर है, और पॉलीगमी के जो है वो सिर्फ इस्लाम में जायज है, सनातन में वो जायज नहीं है कि आप एक बीवी के रहते दूसरी बीवी से शादी करें। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की नौयत आएगी कि एक इंसान जो कि बुजुर्ग हो चुका है 40-50 साल की उम्र को पहुंच चुका है उसके पास ऐसी बीवी मौजूद हो जो कि 15-20 साल की 25 साल की हो जो कि बच्चे को जन्म देने के काबिल हो जिससे दूसरे बेटे को मसला हो सके, ये इस्लाम में ही पॉसिबल है। और ये इसके एक जो है अगर आप इसको इस तरीके से समझें कि ये इसके साइड इफेक्ट में से एक चीज है जो कि पॉलीगमी को आप प्रेजेंट कर रहे हैं इस्लाम के तौर पर, तो इसकी भी दलील अब आपके ऊपर है कि आप इसको सही साबित करें अगर ऐसी नियत भी आती है तो। जी
भाई मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने पूछा था कि पहले लड़के पर गिरा गुजर रहा है तो उसको बाप दूसरी शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। आसान सा सवाल है, पता नहीं यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे इतना ये। हालांकि इनके सारे सवालों का जवाब है लेकिन मैं छोटा सा सवाल कर रहा हूँ और उसका जवाब नहीं दे रहे हैं कि पहले लड़के पर गिरा गुजर रहा है। कोई वीडियो कैसा लगा इसमें अभी तक बहसें हो रही है, मतलब काफी लॉन्ग वीडियो है तो उसको पार्ट वाइज में डिवाइड कर रखा है, तो मतलब दोनों अपना वो अपनी साइड बोल रहे हैं और मतलब मुफ्ती साहब अपनी साइड बोल रहे हैं, मतलब दोनों बहस हो रही है अभी तक कि कौन मतलब किसका जवाब सही होगा। तो मतलब जब ये पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा तब पता चलेगा। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना, जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।